तो ब्याह हमार भइल तो हमार बाबूजी कहले कि का देख के ब्याह करतन एकरा, तो महालोफर हो एने ओने रहेला खाली गावेला बजावेला से जमर जाम। हमार लाला जी हमार चाचा बड़का ब्याह कटवा हमार, मतलब वो ना चाहस की। और अब तो रुआ समन्वय पूछे तो निका हो कुछ बड़ू नहीं। हाँ मतलब कोई भाई लुका छुपा के तो सही सही बताओ कौन गड़बड़ होके। तो आज भी भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज ना होला, सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होता। और कहीं ना कहीं आज मेकर्स जोन बाड़े फिल्म में ज़्यादा पैसा लगावे में डेरा आता रहे। काहे कि रुआ जैसे अभी जिक्र कहीं हो साउथ के फिल्म के, रीजनल फिल्म हो 300 करोड़ में बनेला, हजार हजार करोड़ दो दो हजार करोड़ कमाता, हर भाषा के लोग प्यार करता, हर भाषा के लोग देखता रिलीज होता। लेकिन भोजपुरी आज तक सिर पर से भोजपुरी में रिलीज होता, फिल्म कहीं और नहीं खे देखल जात। आज मेकर्स जोन बड़े उनकर पैसा लगाओ तो बड़े डूबे लगता। ई जोन अभी दौर चलता का एकरा के बुरा दौर मानल जाई। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ग्रल बनी मैच बॉक्स और आज रघुनाथपुर के धरती पर बनी हम अक्सर रहे नहीं। आज खास ऐसे बवे काहे कि भोजपुरी सिनेमा में एगो नाम बा जौन केहू के परिचय के मोहताज नहीं थे। और ये नाम के आज हर कोई जानता, हर कोई के ज़ुबान पे बा। काहे कि जब भी भोजपुरी फिल्मन में बेहतर एक्टिंग के बात होला, कैरेक्टर बेहतर तरीक़ा से निभावे के बात होला, तो में एगो नाम ज़रूर आवेला और वो नाम हो विनोद मिश्रा के। विनोद मिश्रा जी हमारा साथे बानी, यहाँ के अपना ससुराल में बानी जौन कि रघुनाथपुर के कणसर हटे, हालांकि यहाँ के हई जीरा दे के लगे के रहे वाला, लेकिन एजा ससुराल में बनी कुछ प्रयोजन रहा जौन में जा रही हो। और सबसे बड़हन बात का बा कि आज यहाँ के शादी के सालगिरह है, यानी कि 32 गो बसंत यहाँ के देख चुकल बनी अपना जीवन संगनी के साथे। आज हमारे साथे बनी बहुत बहुत स्वागत बा। आज सबसे पहले तो दोनों जन के बहुत बहुत बधाई बा 32 साल साथे रहनी लो। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी कुछ दिन पहले हमनी के बनारस में रहनी है जा, बनारस के पहले दुबई में रहनी है, एगो फिल्म के शूट होत रहला पंख, तो यही बीच में वो घटना घटित हो गई। तो माने चाचा जी हमार, इनके चाचा जी के देहांत हो गया, तो वहाँ के बहुत मानत रहनी है, इनका के खिलौले बनी हमरो के बहुत मानत रहनी है। तो वो नुकसान तब को भरपाई ना हुई, लेकिन भगवान वहाँ के आत्मा के शांति दी। हमने के यह प्रयास रहला कि वो यज्ञ अच्छा से काल भइल। बाकी हमरा इंटरव्यू के माध्यम से सबके बतावे के रहला कि भैया 40 साल के संघर्ष के बाद हमरा पहली बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला। बिल्कुल, ओकरो खातिर बहुत बहुत बधाई हो जी। तो वह हम कहनी है कि भाई जे संघर्ष करी, जे कुछ पावे के चाहता ओकरा लड़े के पड़ी, संघर्ष करे पड़ी। तो हमार जीवन के जर्नी मतलब जौन भी कहीं चाहे वो नाटक, थिएटर, रंगमंच, तो हमरा याद बा 82 में 82 में जीरा दी में पहली बार हम स्कूल में मंच पर आए रहनी। डॉक्टर यतीन्द्र सिंह भी वहाँ इन्वॉल्व रहनी और तब से आज तक के सफर यह चल रहा बा। वह हम कहनी है कि रुआ लोग इन खातिर मैंने रुआ आप सबके बतावल जरूरी रहला कि हमरा जो अवार्ड मिलल है बेस्ट एक्टर के, वो हमरा खातिर बहुत माने रखता। और ओकरा बाद बहुत कुछ चेंज भइल है, बहुत लोग के प्यार मिलल है, बहुत ओकर महत्व जानते बनी। बिल्कुल, सम्मान क्योंकि मिले तो बहुत बड़ा बात बा। बिल्कुल, रुआ के बता दें कि सरस सलील जोन बटे, सरस सलील यहाँ के बेस्ट एक्टर के कैरेक्टर आर्टिस्ट के श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड दिलस। और कैरेक्टर जोन रोल बनू एक आम रोल फिल्मिंची टाइप के रोल सबे कर ली, लेकिन जोन कैरेक्टर निभावे के बात होला जोन की सीन के या कोनो भी रोल के जीवंत करे के जोन बात होला, तो यहाँ के भोजपुरी फिल्मन में कर रहा बनी। और ये भोजपुरी फिल्मन में बिरले देखे के मिलेला। तो विनोद जी के 40 साल के सफर पूरा भइल बा
1982 से यहाँ के रंगमंच के दुनिया पर पहला बार स्टेज पर परफॉर्म कहनी। 2022 चलते हैं यानी कि 40 साल के सफ़र, साथे साथे शादी के 32 साल भी पूरा हो गए। तो थोड़ा सा भौजाई से जाने की कोशिश करते नहीं कैसन रहा 32 साल के सफ़र, क्या कि फिल्मी दुनिया हो आई एम एन बड़ा कुल ही तरह तरह के बात होला कि भरी जाती हैं शूटिंग में तो हई हुई तो फलान हुई ढिमकान हुई कैसन रहल कितना मतलब लड़ झगड़ के या प्यार से कटल 32 साल सब भइल एमे लेकिन ज़्यादातर प्यार से ही कटल। आ जहाँ तक बाहर जाए के बात बा तो एक बार जब विश्वास जम जाला तो आदमी कहीं भी जाओ तो एक बात रहला। बाकी कुल मिला के सफ़र बहुत बढ़िया कटल बा, रोलो के दुआ रही तो यहाँ आगे भी कटी यहीं पूरा जीवन बीत जाओ हम चाहतनी। रहुआ तो ये गाँव में कोणसर में रहल बनी, ब्याह हो गई यहाँ से ओबरा तो यहाँ के फिल्म में काम उम करत ना रहनी ना। तो फिल्म में जब गई नहीं चूँकि हमने यहाँ अभी जमुना बेरा के रहुआ लोग के शादी है ओबरा बहुत बढ़िया नाम मानल जाता रहे, फिल्म उलिम में के नाम लेला पर घर के गार्जियन लोग गरियावे लगे कि पगला गई भाई का जाने कहाँ जाई का करी कमाई कि ना कमाई। तो कैसन रहल राउर सहयोग कैसन रहल रहुओ विश्वास भइल कि रहुओ अपना गार्जियन के बात सुनने की कुली फालतू में टाइम पास होता। गार्जियन में थोड़ा सा ससुराल के लोग मतलब ये कर दहल कि ना ऐसे ही ठीक नहीं थे काहे कि शादी हो गए रहे बच्ची मनी के हो गए रहे 3 साल के ओकरा बाद यहाँ के गए नहीं लेकिन पापा मम्मी के सपोर्ट मिला रहे थोड़ा सा बीच में वो लोग घबरा जाओ लोग एक दो बार यहाँ के हार माना रानी लेकिन हमनी के बातचीत होकर तो ये हम कहें कि अभी मौका बा जितना कोशिश करे एक बार कर ली कहें कि बाद में फिर पछताए के पड़ी अगर जे जो जौन भी होकर बाद में ना हो तो गाँव तो बढ़ले बा अलग बहुत कुछ एजुकेशन भी बा मेडिकल के भी काफ़ी यहाँ के बात तो ना कुछ हो तो बाद में देखल जाए हम पढ़ल लिखल ना कुछ हो तो बाद में दवाई के दुकान खोल ले जाइए आ हमनी के मिल के चलावल जाइए चूँकि शुरू से हमारी रहे कि ढेर हमनी के पथारा फैलावे के नहीं खे बेटा बेटी पतो दीद अंट संट एगो बच्ची हमरा ईश्वर कृपा से बाड़ी हमरा लगे उनकर शादी ब्याह भी हो गई लाडली तो हमनी के अभी फ्री बनी जा। शुरुआत में सिनेमा के बिल्कुल भी लोग अच्छा नज़र से ना देखे, पहले तो हमनी के सिनेमा देखे में भी डराई जा रुआ तो जानते बनी शेखर आ बाद में कृष्णा बनल पहले दरबार रहे तो झूठ बोली जा कि आज तनी एक्स्ट्रा क्लास बा तो हई बा तो हऊ बा एगो साइकिल पर 2 आदमी 3 आदमी चढ़ के जाई जा। तो ब्याह हमार भइल तो हमार बाबूजी कहले कि का देख के ब्याह करतनी एक तो महा लोफर हो एने ओने रहेला खाली गावेला बजावेला से जामर जाम हमार लाला जी हमार चाचा बड़का ब्याह कटवा हमार मतलब वो ना चाहस की लेकिन भगवान के लीला कुली हो गई ब्याह शादी। तकलीफ तो बहुत भइल शुरू शुरू में लोग बड़ा मतलब हंसी उड़ावे मजाक करे थोड़ा बहुत तो यो डराइले हुई हैं मान लें कि सास ससुर के बाद तो बेटी के चिंता तो रहबे करी भागे के लेकिन ससुराल पक्ष से हमारा बड़ा सपोर्ट मिलल। माई बाबूजी तो देहाती लोग रहे वो लोग सिनेमा के बारे में कुछ कह के आई तो कहीं तो लोग कहो लोग वो तो ठीक बा लेकिन काम का कर लो मैंने वो लोग बुझाओ कि नौकरी कौन नौकरी है। तो शुरुआत वह 93 में हम घर छोड़नी गनी वेस्ट बंगाल संघर्ष करत करत बगहा चीनी मिल में नौकरी लागल तो 6 साल हम ओजा नौकरी कैनी। ओकर बाद इनका से हम कहनी कि हो मतलब जौन हमरा करे के बा वो होत नहीं खे जमत नहीं खे ना। तो ये कहली कि छोड़ी महाराज जब रउआ खुश नहीं की तो फायदा का बाबू कैला से। तो हम एलो से तनी झूठ बोल देनी कहनी कि 9,000 रुपया हमार तनख्वाह बाओ जा तनी तो ये लोग खुश हो गए कि भाई 9,000 के नौकरी उघरी बहुत माने रहे 9,000 तो खैर बहुत बड़ा बात रहे। मुंबई में बड़ा संघर्ष भइला और कुल मिला के इनकर जौन भूमिका रहे हमारा खातिर बहुत पॉजिटिव रहे। बेटी भइल तो वो कोनो डिमांड ना करे लोग आज तक मतलब हमारे से ना कहल कि हमरा हई चाहिए चाहे हऊ चाहिए ये लोग के विश्वास रहे। शुरू में थोड़ा बहुत मैंने ससुराल के लोग चाहे घर के लोग घबराइल भी रहे लेकिन अब अच्छा लगे लगे मैंने सिनेमा में टीवी में मोबाइल में लोग देखता तमाम हीरो हीरोइन के साथ काम कर ले बनी
300 से लगभग ऊपर हो गए हाँ, तो यह बा यात्रा यह बा। और अब तो रुआ समन्वय पूछे तरी का हो कुछ बड़ू नहीं हाँ कोई भाई हाँ। लुका छुपा के तू सही सही बताओ कौन गड़बड़ हो के तो एक जिम्मेवारी रहे बेटी के वो मतलब निमन से सब बढ़िया से माता रानी की दया से हो गए यहाँ के मेहनत बाकी सब बढ़िया बा कोनो दिक्कत नहीं है। एगो चीज़ हम देखते नहीं जैसे दो आदमी के जिक्र होला एक पंकज त्रिपाठी के कि वो आदमी शादीशुदा बीवी लेके बॉम्बे पहुँचे रहे आ रौरो ब्याह भैया के बाद लड़की भैया के बाद बॉम्बे पहुँचे रहे आ दोनों आदमी कैरेक्टर हो वो भोजपुरी मानी वो हिंदी में लेकिन दोनों आदमी अपना एक्टिंग के एकदम मैंने माँझ के रखे वाला तो जानते नहीं ना रुआ पंकज जी भोजपुरी से गए बड़े हिंदी में वो कहे बड़े भोजपुरी आ रहल बात भोजपुरी मतलब अब अपन माई गोर होके चाहे करिया होके माई माई हाँ ओकरा से बड़ा काबा तो भोजपुरी मने मातृभूमि मातृभाषा आ माँ ये तीनों के तो कोनो तुल नहीं है स्वर्ग के समान बा तो हमारे के भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत कुछ दे रहा आज हम कहीं जा ले पैसा रहे ना रहे भर भर जोर सामान लोग दे दिल जाई महाराज बाद में दे दे तो हमार कभी कभी तो हम भावुक हो जाए मैंने आँख हमार डबडबा जाला ना बोला कि पैसा नहीं के बाजारी के जाए अब वो कोनो बात नहीं के ना अरे विनोद मिश्रा आ गए हैं ना कोनो चीज़ के तो ये कमाई बा कल रघुनाथपुर में बैठे रहे तो केहू कहल कि ए जी रुआ रघुनाथपुर में बहुत समय दिले तो हम कहनी कि रघुनाथपुर हमारा खातिर पावन भूमि है और हमारा जीवन में ये भूमि के बहुत महत्व बा और सबसे बड़ा चीज़ कि रघुनाथपुर में बच्चा बच्चा तक चाहेला कि हमारा कहीं एक दिन खा लेती तनी पानी पी लेती हम अगर उन्हें सुरेंद्र बाबू के मेडिकल स्टोर पर ओजा से लेके आ होने मैंने पतार दौड़ी ले समझ लिया चाहे आगे यानी चैनपुर सिसवन तक 5 घंटा लग जाए हमारा निकले में मैंने उन्हें से लेकिन प्रणाम कह के माफ़ी मांगत मांगत आगे हम बढ़ जाए ले आ एकाध गो जगह पर जहाँ बैठी ले लोग से मिली ले और जीवन बड़ा अच्छा से कटा था और हमारा प्रति मीडिया के भी बड़ा आभार बा राउर भी बहुत आभार बा हम जब भी आए बनी यहाँ के कुछ ना कुछ हमारा बारे में लिखी ले बताई ले और जे भी नौजवान वर्ग बा जे कलाकार बने के चाहता सिनेमा में आवे के चाहता तो ओकरा के हम गाइड करी ले बताई ले कि उतना भी कठिन नहीं है जितना तू लोग समझते रहो बस ये बा कि मेहनत करे के पड़ी अपना ऊपर काम करे के पड़ी तो ये तो बा अभी एक पहले हमने के भेंट भर रहा था हमने के बातचीत कर लो जा रुआ पूरा सिनेमा सफर के बारे में कि कैसे रुआ शुरुआत कहनी कैसे कैसे का भइल अभी अगर बात कर जाओ तो आवे वाला समय में दर्शक जे भी रुआ से प्यार करेला राउर फिल्म देखेला ओकरा का देखे के मिली अभी करीब 10-12 गो फिल्म आओ तरी सन कोनो में बाप बेटा कोनो में बाप बेटी एकदम लीड माने एगो तो खेसारी जी की फिल्म कहनी अभी अपराधी तो मैं निगेटिव शेड बा लेकिन कमाल के रोल बा डोली सजा के रखना रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर बनी हमारा खेसारी लाल के बड़ा अद्भुत फिल्म है वो बोल रहा था बोल तो तमाम फिल्म लाइन से आ रहा बा अंदाज आ रहा बा तो अभी थोड़ा सा समय बा उसमें एडिटिंग डबिंग चल रहा बा और अभी दौर बदल गए चूँकि अब टेलीविज़न खातिर जब से फिल्म आवे लगल है बी फॉर यू वगैरह के तो इसमें हमारा के बहुत लोग मैंने काम दहल है और बहुत तरह के शेड मैंने ओल्ड यंग सब तरह के लुक दे दे के तो अभी जे भी दर्शक देखा था भोजपुरी लोग के सोच भी बदल गई बा चूँकि एल्बम के हिसाब से नहीं कहत एल्बम अलग है सिनेमा में बहुत कुछ पहले से चेंज भइल बा लोग चाहत कि कुछ खास होके स्पेशल होके मान ली कि साउथ की फिल्म भी तो ओरिजिनल ही है वो 300-300 करोड़ के लोग बनावता बाहुबली वगैरह तमाम वही तरह से हमनियों के अभी बढ़ता इंडस्ट्री बढ़ रहा बा और बहुत कुछ देखे के मिली एगो सवाल रहा और अनुभव काफ़ी बटे हुआ काफ़ी दिन फिल्म में काम के लिए बनी रुआ एल्बम से लेके आज OTT तक के सफ़र सारा कुछ रुआ सफ़र कैले बनी
आज भी भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज ना होला, सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होता, और कहीं ना कहीं आज मेकर्स जोन बाड़े फिल्म में ज़्यादा पैसा लगावे में डेरा आता रहे। काहे कि वो जैसे अभी जिक्र कहीं हो साउथ के फिल्म के, रीजनल फिल्म हो 300 करोड़ में बनेला, हज़ार हज़ार करोड़ दो दो हज़ार करोड़ कमाता, हर भाषा के लोग प्यार करता, हर भाषा के लोग देखता रिलीज होता, लेकिन भोजपुरी आज तक सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में रिलीज होता, फिल्म कहीं और नहीं खे देखल जात। आज मेकर्स जोन बाड़े उनकर पैसा लगावत बाड़े डूबे लगता। ई जोन अभी दौर चलता, का एकरा के बुरा दौर मानल जाई? कुछ में बहुत ऐसा बात बा, एगो तो जाए ना रुआ शेखर टाकी में, चाहे कोनो भी टॉकीज में आके बैठ के देखी तो रुआ मल्टीप्लेक्स वाला बात कनी है तो उसमें सीट अच्छा रहेला, कुर्सी अच्छा रहेला, पंखा बत्ती एसी वेसी तो उस सब फैसिलिटी तो नहीं है। आ रहल बात मल्टीप्लेक्स के तो कुछ इमें बदमाशी बा, लोग के गुटबाजी बा, मराठी फिल्म तो लगेला मल्टीप्लेक्स में बिल्कुल, तो एक खातिर सिनेमा हॉल के जे भी एजा मालिक बा मल्टीप्लेक्स वाला ओकरा भी सोचे के चाहिए कि भाई अपनी बोली है, अपनी भाषा है, एकरा के सम्मान देवे के चाहिए। अब ऐसा बात नहीं कि भोजपुरी में भी दो दो तीन तीन करोड़ के फिल्म बनता तो हुई, थोड़ा समय लागी लेकिन मल्टीप्लेक्स में भी लागी। हाँ हाँ, और जहाँ तक फिल्म के नुकसान के बात बा, पहले बताई सब नुकसाने रही तो इतना फिल्म कैसे बनी? भोजपुरी में फिल्म इतना बनता आ सबके घाटा हुई तो फिर दोबारा कैसे फिल्म बनाई? कुछ बात बा, नुकसानों होला लेकिन अब OTT बा, चाहे वो वीडियो के राइट होला, ऑडियो के राइट होला, वो तमाम कुली पैसा म्यूजिक कंपनी को दे के हो जाला, कवर हो जाला, लेकिन सिनेमा तो रुआ ठीक से बनाई बिल्कुल, उनमें कुछ होके कि लोग के एकदम अब धरती में या चल रहे तो लोग टायर में चढ़ चढ़ के लोग जाए, गंगा किनारे मोरा गांव आई रहे, नदिया के पार आई रहे तो तमाम लोग देखे। आज भी अच्छा फिल्म बने तो लोग देखी या चली, सिनेमा हॉल वाला लोग के भी थोड़ा सुधार करे के चाहिए। इन्हें कि बैठल बनी कुर्सी पर तो खटमल काटे लागल, पसीना छूटे लागल, और गुटखा खा के लोग चल जाता, खैनी खा के चल जाता, सिनेमा हॉल में हाफ पैंट पहन के लुंगी पहन के बैठ जाता। थोड़ा ठीक करो यार, अब तो हम देखले बने साउथ में जो सिनेमा देख के जाला बुझाला कि लोग पर्व मनावे जाता है एकदम नहा धो के फ्रेश होके, या उस सिनेमा हॉल में जाएं तो खुशबू एकदम। लेकिन ठीक बा, अब हमने क्या मान ले कि 50 रुपये में वो सिनेमा देखा था नहीं, वो कहीं कि 500 रुपये लगेगा, आ लोग फिल्म मोबाइल में थोड़े देखी, पहले रिलीज हुई तो लोग देखेला सिनेमा हॉल में ही देखेला, अब तो लोग कहल बे सिनेमा हॉल में ले आओ तनी डाउनलोड कर लो मोबाइले में देख ले जाओ, समझो तनी नो। तो बहुत कुछ बा, बहुत ऐसा बात बा, चेंज हो रहा बा, ठीक हो जाई बिल्कुल, परिवर्तन होला और परिवर्तन, चूँकि भोजपुरी फिल्म पहले 20-20, 30-30 लाख से बनल शुरू भइल, आज 2-2.5 करोड़ तक के बन रहा बा, तो परिवर्तन होता, समय धीरे धीरे बदली और बदल जाए। पहले ही रहे कि अश्लीलता पर पूरा जोर रहे, अब धीरे धीरे उसे किनारा कर जा रहा बा, तो अश्लीलता ख़त्म हुई और बदलाव आई। उम्मीद करते हैं कि अपना यहाँ के सिनेमा हॉल वाला लोग भी बदलाव लिया। अंत में बहुत लम्हर बातचीत ना कल जी, अंत में हमनी के जे भी अपना आसपास के रघुनाथपुर के, स्पेशली हमनी के ज़्यादातर लोग सिवान रघुनाथपुर के आसपास के लोग देखेला, जे रउआ से लगाव रखता, प्रेम करता रउआ से, वो लोग से का कहे? बोले से तो हम हाथ जोड़ के ये कहे कि भाई ये जो आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, सपोर्ट तारा लोग के बा बना रहे, आ रउआ लोग के जो विश्वास बा पर हम खड़ा उतरे, इस समाज खातिर हम हमेशा तैयार रही ले। अब कुछ ऐसा बात बाकी ना कहे के चाहिए, जैसे मान ली कि वो गरीब के बिटिया के शादी बा में हम मदद करनी तब हम जाके कह दी मीडिया के सामने तो ठीक नहीं है ना? तो हम एमें आई ले गाँव जवार में हम चाहे ले कि केहू के जैसे भी तन मन धन जौन भी बा हमारा लगे हाजिर रही ले, और ना कि मार्केट में हम आइल बनी तो केहू कह दिल कि बे यहाँ के ऐसा ऐसा, हम प्रयास करी ले कि लोग के मन में, दिमाग में ना रही, हृदय में रही, आ सबके प्यार स्नेह मिलत रहे, सेवा तो करही के बा। हाँ, यो एगो सेवे हो, मनोरंजन के माध्यम से होके चाहे बाकी और भी माध्यम बा, तो ये क्षेत्र खातिर हमार बहुत तो समझ ली कि इमोशनल अटैचमेंट रहेला। हम जब भी मतलब जिंदा बानी, मैंने जीवित बानी, शरीर धरती पर बा,
तो हमरा एक खातिर सोचे के बाद चाहे जैसे मैंने पूरा सिवान रघुनाथपुर के बात कर रहा हूँ और भोजपुरिया समाज के हम प्रणाम करता नहीं, आप सबके बहुत प्यार मिलता और ख़ास करके मीडिया के पहले तनी मनी छापे हो गए तो लोग ना छापे, अब तो बड़ा खुशी बाकी देखी ना आप सब इतना हमरा के तवज्जो देता नहीं, वीडियो बनता प्रिंट मीडिया में छपता, ईश्वर कृपा बा माता रानी की कृपा बा, बाकी आप सबके बहुत बहुत आभारी बनी रुवा लोग ये चैनल के देखी सब्सक्राइब करी आ जौन भी कोनो बात होके कमेंट में लिखी है ना। चलिए एक बार पुनः दोनों आदमी के वैवाहिक जीवन के बहुत बहुत बधाई बा कि रुआ सब ऐसा ही बनल रही, महादेव के कृपा बनल रहे रुआ लोग पर, बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। दर्शक बंधु रुआ ये बातचीत बदकुचन सुननी है, विनोद मिश्रा जी हमारा साथे रहनी है और विनोद मिश्रा जी के रुआ सब जान तो नहीं कर रुआ भोजपुरी फिल्म देखे नहीं तो यहाँ के ना जानी ऐसा हुई नहीं कर सकत क्या कि कौन ऐसा ए बड़ा के डेट में एक्टर नहीं खन एक्ट्रेस नहीं की जरा साथ यहाँ के काम ना कैले हो कि जर बाप भाई के रोल ना निभल हो कि या विलन के रोल ना कैले हो कि तमाम 300 से 300 के ऊपर फिल्म बड़ी सो ओकरा अलावा यहाँ के क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया वगैरह में सीरियल्स वगैरह में भी काम कैले बनी तरुआ देखले बनी ये बदकुचन कैसा लागल ए पर कमेंट करके प्रतिक्रिया देके जरूर बताई और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ली, फेसबुक पर देखते हैं तो पेज के लाइक करी फॉलो करी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।